अब मान्यता है ये नहीं है कॉलेज का, आपने उसमें क्या किया एडमिशन ले लिए और गए पढ़ने के लिए, 2 साल 3 साल पढ़ लिए, बाद में पता चला इस कॉलेज का तो मान्यता रद्द हो गया, या 2 साल पढ़िए रहे हैं और इसी बीच में कॉलेज का मान्यता क्या हो गया रद्द हो गया, या ये तुमको पता चला इस कॉलेज को तो अभी मान्यता मिला है किसको, डॉक्टर साहब को, कोई भी जांच में 50% कमीशन डॉक्टरों को होता है, 50%। आप डॉक्टर का पुर्जा देखे होंगे, नीचे लिखा होगा दवा मिला, मतलब यह हुआ कि दवा आपको यहीं से खरीदना है, इधर उधर से दवा अभी 900 रुपया है और 1000 रुपया है। से गैस एजेंसियां क्या करती है, बड़े बड़े जो होटल रहते हैं, एक ट्रक सिलेंडर लाया और सीधे होटल में क्या किया घुसा दिया, चलो भैया उतार लो उससे, एक सिलेंडर एक आपका ट्रक में कम से कम 200-400 सिलेंडर रहे, 500 सिलेंडर भी। चलिए देखिए हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, आपका पढ़े थे है ना, यहाँ पढ़े थे हम लोग उपभोक्ता के बारे में पढ़े थे कि उपभोक्ता का मतलब होता है आपका है ना, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है बताइए, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तुओं का क्या करता है उपयोग करता है, जो वस्तु का क्या करता है उपयोग करता है, तो हर एक मनुष्य जो किसी ना किसी वस्तु का प्रयोग करवे करता है, तो जब वस्तु का प्रयोग करेगा तो वो क्या कहलाएगा उपभोक्ता कहलाएगा। कल आपको बताया कि उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, जागरूक नहीं रहिएगा तो आपको बढ़िया सामान नहीं मिलेगा, खराब सामान दे देगा, जैसे तैसे हो जाएगा, इसीलिए जागरूक होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी अभियान चलाती है, टीवी पर प्रचार देती है, जागो ग्राहक जागो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ऐसे तमाम कई प्रकार के जो नारे हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं है ना, ताकि आप उसको समझ जाएँ है ना, उसको बोलते हैं हम उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब जो किसी वस्तु का क्या करता है उपयोग करता है उपभोक्ता कहते हैं। और हम ये भी बताए थे कि उपभोक्ता का शोषण भी होता है। अब देखो शोषण कैसे होता है, बात समझिएगा, हर जगह शोषण है, हर जगह कैसे शोषण है, तो देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ता का शोषण नहीं हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, खाद्य सामग्री हो, डाक हो, सभी क्षेत्रों में लापरवाही और कालाबाजारी हो रहा है, और इसी के चक्कर में हम उपभोक्ता आप उपभोक्ता जो है वो उसके शोषण के क्या हो रहे हैं शिकार हो रहे हैं, और कैसे देखो हम लोग को पता भी नहीं चलता है और हम लोग को शोषण हो जाता है, तो कैसे शोषण होता है इस बात को समझिएगा, देखिएगा शोषण कैसे होता है, मक्खियों तो कम बदमाश थोड़ी है देखिएगा, तो हमारा सबसे पहला शोषण की अगर हम बात करें तो आप देखिए दिया हुआ इसमें आपका गैस एजेंसियां, गैस एजेंसियां आपका शोषण अब तो थोड़ा सा ठीक भी हो गया है, नहीं तो याद करो कि आदमी सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगना पड़ता था कि भैया हमको सिलेंडर कब मिलेगा, और बीच में लॉकडाउन के शायद हमको याद है कि उस टाइम गोदाम के पास से लाइन शुरू होता था और लगभग हमारे घर के मोड़ तक चला गया था, इतना लंबा लाइन। अब तो हो गया कि ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए, बुकिंग कर दीजिएगा तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर आपका डिलीवरी दिखा देगा, और साल भर में जो निश्चित सिलेंडर है 6 या 9 मिलता है ना जी सबको, उतना भी सिलेंडर आपको हर हाल में मिल जाएगा, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो नाम तो सिलेंडर वाला कनेक्शन तो ले लिया है, लेकिन कनेक्शन तो ले लिया लेकिन वो क्या करता है यूज नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं करेगा, साल भर में कई सिलेंडर यूज कर रहा है 2 गो 3 गो, बाकी गोइठा पे चल लो चूल्हा झगार लो, लेकिन उसको पता नहीं है कि तुम्हारे नाम पर जो सिलेंडर है जो 12 गो अलॉट हुआ है या 9 गो जो साल भर में अलॉट हुआ है, तो 2 गो तुम यूज किए तो 7 गो क्या होगा, तो 7 गो गैस एजेंसी देता है बेच, गैस एजेंसी क्या किया बेच, तो चलो ठीक है तुमने यूज किया तो बेच लिया, तू कमा लिया तो बात समझ में आ गया नहीं, लेकिन जो जिसको जरूरत है उसको भी अगर समय पर नहीं मिल रहा है और उसका सिलेंडर बचा हुआ है साल भर वाला 6 गो 9 गो जो भी है, तो ये गलत है ना, करता क्या है ये सब समझिए, देखिए ये तो काला बाजारी कैसे करता है, बड़े बड़े होटल होते हैं है ना, बड़े बड़े होटल, आप होटलों में भी खाना गैस पे ही बनता है क्या,
जितना रेस्टोरेंट में जाइएगा चूल्हा कोई झोंकता है, सारे लोग गैस पर बनाते हैं। और सिलेंडर दो टाइप का होता है, एक कमर्शियल सिलेंडर होता है और एक हम लोग रेगुलर यूज करते हैं जो घरों में यूज करते हैं। इसका प्राइस कम होता है, इसका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेगुलर सिलेंडर जो घरों में प्रयोग करते हैं उसका प्राइस लगभग अभी 900 रुपया है और 1000 रुपया है। से गैस एजेंसियाँ क्या करती है, बड़े बड़े जो होटल रहते हैं, एक ट्रक सिलेंडर लाया और सीधे होटल में क्या किया, घुसा दिया, चलो भैया उतार लो। उससे एक सिलेंडर, एक आपका ट्रक में कम से कम 200-400 सिलेंडर रहे, 500 सिलेंडर भी रह सकता है, 200 तो मिनिमम रहेगा ही, 250-300। तो वो पूरा बेच दिया, तो 300 जो बेचा वो काहे बेचा, कि मार्केट में भैया दाम कितना है, 700 रुपया। मार्केट में कितना दाम है, 700 रुपया, हम आपको कितना में देंगे, 1000 रुपया। होटल वाला सोचा कि भैया ले लो 1000 में, क्या करो ले लो 1000 में, काहे कि अगर हम कमर्शियल उतने गैस खरीदेंगे तो हमको 1200 रुपया, 1300 रुपया, यानी लगभग क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, 200-300 रुपया ज़्यादा पड़ेगा। तो वो सोचा कि भैया ऐसे तो हमको मिलेगा नहीं होटल के नाम पर, तो ले लो भैया 200-300 ज़्यादा लग रहा, तब वो तो 200-300 बचिए रहा है। और इसको क्या लगा कि हमारा तो 700 मिलता और यहाँ क्या मिल रहा है, 1000। एक सिलेंडर पर एक्स्ट्रा इनकम कितना हो गया, 300 रुपया। और अगर इसने 300 सिलेंडर को क्या किया, बेच दिया, महीने में सिर्फ 2 दिन या 4 दिन बेच दे बस, उससे ज्यादा नहीं, यानी अगर महीने में 1000 सिलेंडर खाली काला बाजारी कर दे और एक सिलेंडर पर कितना बच गया उसको, 300 रुपया, मल्टीप्लाई करो तो ये तो 3 हो गया, और 3 सुना इधर और 2 सुना उधर कितना हो गया, 5 सुना, और 5 सुना का मतलब कितना हो गया, ऐसा ही खड़े खड़े 1 मिनट का काम। अब इसमें जो 1000 ग्राहक को, उसको परेशानी होगा, उग जाएगा, मांगेगा, अच्छा रुको 5 दिन 8 दिन रुको ना, उसको टर्म ऐसे करके देगा, उसी में कोई नहीं लिया तो मैनेज कर दिया था, लेकिन पूरा पढ़ाया नहीं और जैसे तैसे पढ़ा के छोड़ दिया, तो वो एक तरह से आपका क्या है, शोषण है, बढ़िया से पढ़ाया नहीं आपको। तो इस तरह से लोग शिक्षण संस्थान में भी शोषण करते हैं, और क्या, कॉलेज खोल लिया बड़ा बड़ा, अब मान्यता है ये नहीं है कॉलेज का, आपने उसमें क्या किया, एडमिशन ले लिए और गए पढ़ने के लिए, 2-3 साल पढ़ लिए, बाद में पता चला इस कॉलेज का तो मान्यता रद्द हो गया, या 2 साल पढ़िए रहे हैं और इसी बीच में कॉलेज का मान्यता क्या हो गया, रद्द हो गया, या ये तुमको पता चला इस कॉलेज को तो अभी मान्यता मिला ही नहीं है और कॉलेज खुल गया है और पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या, वो तो पैसा ले लिया, और पैसा अगर तुमको वापस भी दे देता है तो समय वापस आएगा। तो इस तरह से शिक्षण संस्थान देखो कह रहा है, एकदम गली गली में खुलते जा रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसमें बढ़िया योग्य शिक्षक भी नहीं होता है, प्रयोगशाला फर्नीचर ये सब नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ प्रचार और झूठा वादा करके वो लोग फीस वसूल करते हैं और अपना घर चला रहे हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि अगर आप जिस विषय के भी शिक्षक हैं तो उसका क्या रहिए, योग्य शिक्षक रहिए, ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को समझ में आए और कोर्स को कंप्लीट कीजिए, तब समझिए आपका शिक्षण संस्थान क्या है, बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि चलो हम आपका जैसे तैसे बच्चा भर लो, कुछ पढ़ा के भेज दो, तो नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से गैस एजेंसियां ने क्या किया, हमको शोषण किया, है ना। अब देखिए डॉक्टर भी शोषण करता है, नहीं करता है डॉक्टर शोषण, डॉक्टर शोषण कैसे करता है भाई, तो डॉक्टर लोग क्या करता है, सबसे पहले लिख देता हूँ जांच, कुछ लिख देगा, जांच लिख देगा कि भैया जांच तोरा कराना हो, तो बोला ठीक है सर जांच हम कराएंगे, तो जांच एने ओने नहीं कराना है, जहाँ हम बोलेंगे ओजे कराना है। और तुमको बताते हैं जांच जब होगा तो उसका बिल बनेगा, मान लिया जाए कितना, 1000, तो इसमें बउआ 500 चल जाएगा किसको, डॉक्टर साहब को, कोई भी जांच में 50% कमीशन डॉक्टरों को होता है, 50%। आप डॉक्टर का पुर्जा देखे होंगे, नीचे लिखा होगा दवा मिला, मतलब यह हुआ कि दवा आपको यहीं से खरीदना है, इधर उधर से दवा नहीं खरीदना है, और दवा खरीदिएगा
तब वहां से कमीशन जाएगा इसको, क्योंकि ये दवा कितना में मिलेगा, एकदम जब प्रिंट लिखल है ना बउआ, एकदम प्रिंटे पे तुमको दवा मिलेगा, कुछ पे इधर उधर दवा तुमको नहीं मिलेगा। बात समझ में? अब